सांची खाई बाहर गुरुजी, नगरी में आई बाहर गुरुजी। नगरी में आई बाहर गुरुजी, ओ गुरुजी। संध्या सकारे लगे भक्ति का मेला, संध्या सकारे लगे भक्ति का मेला। कोई ना बैठे अब घर में अकेला, पूजन भजन के स्वर गूंजते हैं, पूजन भजन के स्वर गूंजते हैं। अब तो हमारे घर द्वार गुरुजी, अब तो हमारे घर द्वार गुरुजी। साची कहे तोरे आवन से हमरी, नगरी में आई बाहर गुरुजी, नगरी में आई बाहर गुरुजी। बाहर गुरुजी करुणा की सूरत सच मानिए, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जीवन में 200 पंच कल्याणकों में, 210 पंच कल्याणकों में गया,
पहली बार मेरे जीवन में हुआ है कि ये दोनों भोजन करने आई थी भोजनशाला में, और हमने इनसे कहा कि शाम को तुम्हें नृत्य करना है। आज जो इंद्र सभा लगी है वो बिना प्रैक्टिस के लगी है, और मैंने पहली बार इनसे कहा, इन्होंने इतना सुंदर नृत्य किया बिना प्रैक्टिस के। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इन बहनों का स्वागत करें, और आइए शुरू करते हैं सुधर्म सभा की ओर। राया ये आप बुझेंगे, आप बुझेंगे, हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, आपके आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा। ये अड्डा घट्टा आदमी जो आपके बीच खड़ा है वो पूछ रहा है, हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है। मैं एक सूत्रधार हूँ, इंद्र सभा लगेगी मैं बीच बीच में आता रहूंगा, सूत्रधार का काम करता रहूंगा। ये सारे सभासद बैठे हैं, सारे राजागण बैठे हैं, सारे देवगण बैठे हैं, अपने देवराज इंद्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सावधान, खबरदार, होशियार, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पधार रहे हैं। राजेंद्र अपने आसन पर विराजते हैं और सभी को बैठने के लिए कहते हैं। सारे इंद्रगण अपने देव राजेंद्र को देख रहे हैं, और देखते ही देखते तभी एक इंद्र के मन में एक शंका उठती है, और वह भक्ति नृत्य करने लगते हैं आनंद के साथ। कैसे पावन बेला का मयूरा सहनाई रे, नाचे मनका मयूरा, नाचे मनका मयूरा, मनका मयूरा, नाचे मनका मयूरा, गोजोटी जी सहनाई रे, नाचे मनका मयूरा, पावन बेला आई रे, नाचे मनका मयूरा। एक बात बताइए, ये इंद्रगण भक्ति कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और कहेंगे क्या, गूंज उठी जी सहनाई रे, नाचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा। हेलो हेलो। तब देव कहने लगे, हे देवराज इंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, हमारे मन में एक प्रश्न है। बोलिए। हे देवराज इंद्र, संसार में सार क्या है? हे देव, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ध्यान से सुनिए। इस संसार में सम्यक दर्शन ही सार है। सभी लोग तालियां बजाएंगे। तब देव कहने लगे मैं धन्य हो गया, मैं भी धन्य हो गई। आप तो उसी दिन धन्य हो गए थे जिस दिन इनके साथ विवाह हुआ था। आइए अपने स्थान पर विराजिए, ये जा रहे हैं, अगले देव आ रहे हैं। कैसे स्वर्गों में बड़ा प्यारा, लग स्वर्गों में बड़ा प्यारा, के भक्तों जग के लगाओ जी तारा, के देख मन खुशी है, ये लहर लहर लहराए, मन खुशियों में गए, ये लहर लहर लहराए।
तब देव कहने लगे, हे देवेंद्र हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, हमारे मन में भी एक प्रश्न है। कहिए। हे देवराज, आपने अभी कहा कि सम्यक दर्शन सार है, सो हे देव हम वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? जिस जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इस स्वर्ग की चर्चा जरूर सुन लेना। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? हे देव, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो जीव अपने जीवन काल में सच्चे देवसाध गुरु पर दृढ़ श्रद्धा रखता है, सात तत्वों पर घन श्रद्धा रखता है, वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। हे देवेन, मैं धन्य हुआ। मैं भी धन्य हो गई। दोनों धन्यता को प्राप्त कर रहे, अपने स्थान पर जा रहे हैं, अगले देव आ रहे हैं। फिर से बाहर आज इस नगरी में, आगे फिर से बाहर आज इस नगरी में, खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में, खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में। मालूम है ये इंद्र जो भक्ति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नीचे वाले लोग अपने में मस्त हैं, हम ऊपर भक्ति कर रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ताली मत बजाइए, तुम्हें पड़ोसी की कसम है। ऐसे हवा में दोनों हाथ लहराएंगे और कहेंगे क्या, अरे आ गई फिर से बाहर आज इस नगरी में, आ गई फिर से बाहर आज इस नगरी में, खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में। ये देवेंद्र मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरा प्रश्न ये है कि सामयिक दर्शन का महत्व क्या है? एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वह जीव उच्च गति में ही जन्म लेता है, नग्न गति में नहीं। समझ गए ना इंद्र? हाँ देवेंद्र, आपके प्रश्न से मैं धन्य हो गया, हम सभी धन्य हो गए। और ये धन्य हो गए, पहली बार देख रहा हूं कि स्वर्गों में भी चश्मे चलते हैं। आइए, ये जा रहे हैं, अगले देव आ रहे हैं। दिन आयो दिन आयो दिन आयो, निकल को यो दिन आयो, दिन आयो दिन आयो, तालियां आयो, निकल को यो दिन आयो, ढोल ढोल बजीना बाजे बाजे और पे दुनिया सासरों की सरगम बोले भक्ति करने वन। ओ दिन आयो दिन आयो दिन आयो, भक्ति करने को यो दिन आयो। हे देवराज इंद्र, हमें सम्यक दर्शन के बाद कौन कौन सी गति मिलती है? एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वह उच्च गति में ही जन्म लेता है, निम्न गति में नहीं। मैं धन्य हो गया देवराज इंद्र। मैं भी धन्य हूं। सभी इंद्र मस्ती से गाना गाइए। और देखिए तब देवराज इंद्र अपने इंद्र की ओर देख रहे हैं, अगले देव फिर खड़े होते हैं और अपनी शंका का समाधान करते हैं। अरे रंग रंग के फूल खिले हैं मो भाई कोई रंग ना, मैं तो रंगो प्रभु रंग मां, प्रभु रंग मां, रंगो प्रभु रंग मां। रंग रंग के फूल खिले हैं हो, रंग रंग के फूल खिले मो भाई कोई रंग ना, मैं तो रंगो प्रभु रंग मां, प्रभु रंग मां, रंगो प्रभु रंग मां। हे देवेंद्र हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हमारे मन में एक शंका है। कहो क्या शंका? कहो क्या शंका है? तीर्थंकर कितने होते हैं? हे देव, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ना अधिक होते हैं ना कम होते हैं।
मैं धन्य हो गया। हे देव, इधर इधर, आप तो धन्य हो गए, आपकी देवी कहाँ है? वो भी धन्य हो गई है। आइए, ये जा रहे हैं, अगले आ रहे हैं। अरे आ गई फिर से बाहर आज इस नगरी में, भूल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में, मिल गई फिर से बाहर आज इस नगरी में। जय 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 जय। और तब देव कहने लगते हैं, हे देवेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवेंद्र, हमें एक प्रश्न है। कहिए। हे देवेंद्र, तीर्थंकर कहाँ कहाँ और कब कब होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुनना। तीर्थंकर कहाँ और कब कब होते हैं, आप देवराज इंद्र से सुनेंगे। हे देव, उत्सर्पणी के काल का तीसरा काल, अपशकुनी काल का चौथा काल आता है, तब तीर्थंकरों का जन्म होता है। तीर्थंकरों का जन्म भरत युव क्षेत्र में होता है। हम धन्य हो गए गुरुदेव, धन्यवाद। पहली बार देख रहा हूँ दो इंद्रों का जोड़ा आया है। आइए विराजिए, सारे इंद्रगण चर्चा कर रहे हैं, तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपमान होता है। पास में बैठी सची इंद्राणी सोचने लगती है, आखिर देवराज इंद्र का सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ है, और वह कहने लगती है, हे स्वामी, अभी मैंने एक अलौकिक ज्योति देखी है, जिसे देखकर मेरा मन भयभीत हो उठा है। हे नाथ, क्या कहीं कोई उल्कापात हुआ है, जल्दी बताइए। तब देवराज इंद्र कहने लगते हैं, मैं अभी अवध ज्ञान लगाता हूँ। अपनी तर्जनी उंगली को लेते हैं, मस्तक पर रखते हैं। आप भी खड़े हो, खड़े खड़े कर रहा, खड़े रहो। सारे सभासद खड़े हो जाते हैं, सारे इंद्रगण खड़े हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या, मन ही मन विचार करने लगे, और तब अपनी सची इंद्राणी के से कहते हैं, हे सची, हे सभासदो, मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश सुनाता हूँ, जिसे सुनते ही तुम्हारे गण इंद्री पवित्र हो जाएगी। हे नाथ, ऐसा कौन सा संदेश है, जल्दी बताइए। तो सुनो, आज से 15 माह पश्चात जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ माता मरु देवी जो कुछ कुची से जीव जन्म लेगा, और वह तीर्थंकर पद के धारण कर लेंगे। इतना सुनते ही सारे इंद्रगण भक्ति करने लगते हैं। जिस जिसको खुशी है जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, भगवान का जन्म होगा 15 माह पश्चात। सारे इंद्रगण झूम रहे हैं और घेरे आए, घेरे आए, घेरे आए, घेरे आए, अयोध्या नगरी में, हाय हाय अयोध्या नगरी में। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय 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 बोलो, जय बोलो, जय बोलो। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। जैसे घेरे आए, घेरे आए, घेरे आए, घेरे आए, मेघों की काली घटा अयोध्या नगरी में, हाय हाय स्वर्ग नगरी में। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय 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 बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय जय जय। We'll be right back.
नीले गगन में धुआं। हे लोकपाल आया, हे लोकपाल को बुलाया, हे लोकपाल उपस्थित है, आपने लोकपाल को आदेश दिया, हे लोकपाल तुरंत उपस्थित होता है। देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो। हे लोकपाल आप जाइए, मेरे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को अति शीघ्र लेके आइए। जो आज्ञा। आपकी आज्ञा जीरोधार है, आपकी आज्ञा बगैर मैं चला, मैं आंधी की तरह जाता हूँ, तूफान की तरह वापस आता हूँ। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शावधार, खबरदार, होशियार, धनपति कुबेर धन श्री के साथ पधार रहे हैं। धनपति देखो आया, धनपति देखो आया, धनपति देखो आया, धनपति देखो आया। आज नगर की वसुंधरा पर, आज नगर की वसुंधरा पर धर्म ध्वज लहराया। धनपति देखो आया, धनपति देखो आया। तालियां बजाइए, धनपति कुबेर धन श्री के साथ आ रहे हैं। आज नगर की वसुंधरा पर, आज नगर की वसुंधरा पर धर्म ध्वज लहराया। धनपति देखो आया, और जैसे ही धनपति कुबेर को देखा, स्वर्ग की दो देवांगनाएं आती हैं और आकर भक्ति नृत्य प्रस्तुत करती हैं। आजा दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। आई पावन ये घड़ियां, देखो मंगल ये घड़ियां, आई पावन ये घड़ियां, देखो मंगल ये घड़ियां। धनपति कुबेर का देवेंद्र, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करो। आज अचानक आपने हमें कैसे याद किया, आज अचानक आपने हमें कैसे याद किया? आज मैंने तुम्हें आदेश व निर्देश के लिए नहीं बुलाया, आज मैंने अपने खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया। खुशी कैसी है? खुशी जल्दी बताइए ना देवराज इंद्र। तो सुनो, आज से 15 माह पश्चात जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में
महाराज नाभिराय के यहाँ माता मरुदेवी की कुची से जीव जन्म लेगा और वो अपने आत्मा के साथ करोड़ों आत्माओं का कल्याण करेगा। बात है हमारे लिए क्या आज्ञा है देवराज इंद्र? आप अभी अयोध्या नगर के ओर करे, वहाँ जाकर नवीन नवीन महलों की रचना करे और सुंदर से सुंदर नगरी का निर्माण करे। आप चिंता रहित हो देवेंद्र, मैं जैसी ऐसी नगरी की रचना करूँगा कि तीन लोगों में सिंह परी इससे सुंदर और कोई नगरी नहीं होगी। कुबेर का सारा खजाना लुटा दिया जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। एक बार स्वर्गपुरी भी इंद्रपुरी नगरी के आगे फीकी लगेगी। क्या बात कही देवराज इंद्र ने। हे देवेंद्र, चाहे इसके लिए कुबेर का सारा खजाना क्यों ना लुटा दिया जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मेरा पूरा वैभव लुटा दिया जाए, सुंदर से सुंदर नगरी का निर्माण करूंगा। और महाराज आज्ञा पाकर धनपति कुबेर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अयोध्या नगरी की ओर चल रहे हैं। चलो चलिए प्रभु जी की नगरी में, चलो चलिए चलो चलिए नगरी अयोध्या में, चलो चलिए। मंगल की बेलाई सारी निधियां सिमट आई। चलो चलिए नगरी अयोध्या में, चलो चलिए चलो चलिए। हे राजन, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हमें सौदर्भ इंद्र ने आज्ञा दी है नवीन महलों की रचना करने का। आज्ञा है आपको। और आज्ञा पाकर धनपति कुबेर नगरी की रचना के लिए अपने शिल्पकारों को बुलाते हैं। ये मेरे शिल्पकारों, अशीघ्र आइए। आया आपने बुलाया, आपका शिल्पकार आया। मैं भी आया, मैं भी आया। मैं भी आ रहा हूं। मैं भी। कहिए आपने हमें बुलाया है, आदेश कीजिए। हेलो हेलो, हम भी आ गए, आप हमें आदेश कीजिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है। सुनो शिल्पकारो, पहले कभी महल बनाया है? पहले कभी महल बना है? महल तो हमने बहुत बनाए है, बहुत बनाए है, बड़े बड़े महल बनाए हैं। ये इतने बड़े महल बनाए हैं। का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? हाँ सुना है। हैं उनका जो घर बना है, उनकी जो कोठी बनी है, वो तुमने बनाई है? नहीं, वो हमने नहीं बनाई। तो क्या बनाया? तो क्या बनाया है आपने? आपने दिल्ली के कुतुब मीनार का नाम सुना होगा? हाँ सुना है। वो भी तुमने बनाया? वो भी हमने नहीं बनाया, हमने वो भी नहीं। तो क्या बनाया तुमने? आपने आगरे के ताजमहल का नाम तो जरूर सुना होगा, आगरे का ताजमहल सब जानते हैं। वो भी तुमने बनाया? वो भी हमने नहीं बनाया। फिर तुमने क्या बनाया? हमने बनाया है, हमने बनाया है, हमने बनाया है जिनसरनम का तीर्थ क्षेत्र का मंदिर, हमने बनाया है महावीर जी का जिनालय, हमने बनाया है शिखर जी में जिनालय। हम तो जिनालय बनाते हैं, हम ये कार्य करते हैं। हमारे लिए तो आप आज्ञा कीजिए कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। सुनो, महल सुंदर बनाना, महल सुंदर बनाना।
आप जिंदा रहित रहे, आपकी आज्ञा के अनुसार पूरा सुंदर महल बनाऊंगा, अति सुंदर महल बनाऊंगा, बहुत सुंदर महल बनाऊंगा। ओ सुनो, तुम्हारे को पारितोषिक भी दिया जाएगा। ठीक है, आप बैठिए, हम नगरी की रचना प्रारंभ करते हैं। और नगरी की रचना प्रारंभ की गई। देखो भाई देखो, भाई बहन देखो, नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, रचवाए धनपति कुबेर शिल्पी की मेहनत अपार देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। पर सुर आए नगरी रचन रचाए, धरती पर सुर आए नगरी रचन रचाए, द्वार द्वार पर देखो बंधन बार बनवाए, धरती पर सुर आए नगरी रचन रचाए, द्वार द्वार पर देखो बंधन बार बनवाए, शिल्पी की मेहनत अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, शिल्पी की मेहनत अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, रचवाए धनपति कुबेर शिल्पी की मेहनत अपार देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। पर सुर आए नगरी रचन रचाए, धरती पर सुर आए नगरी रचन रचाए, द्वार द्वार पर देखो बंधन बार बनवाए, धरती पर सुर आए नगरी रचन रचाए, द्वार द्वार पर देखो बंधन बार बनवाए, शिल्पी की मेहनत अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, रचवाए पते कुबेर शिल्पी की मेहनत अपार देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। कुबेर जी आइए, कुबेर इंद्राणी जी आगे आइए, आप आगे आइए, गेट खोल दो, गेट खोल दो, आओ आगे आओ। ये मैंने आपके लिए माइक का है कुबेर वाला, ये मैंने आपके लिए तोरण द्वार बनाए हैं, अति सुंदर। ये देखिए, ये मैंने दो हाथी गेट पे लगाए हैं, ताकि नगर में कोई प्रवेश करे तो उसके स्वागत में अभिनंदन में हमेशा खड़े रहें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो मुझे रत्न दिए थे, माणिक पन्ना हीरा, मैंने सब ऊपर जड़ दिए हैं। देखिए आप ऊपर जो टिकमिक लाइटें हो रही हैं, इसमें हीरा भी है, इसमें पन्ना भी है, इसमें स्पटिक भी है, इसमें मूंगा भी है, सारे रत्नों को मैंने जड़ दिया है। अति सुंदर, हे शिल्पकार, आपने तो मेरे कल्पना से परे नगरी का निर्माण किया है।
अब मेरे हाथों में खुजली हो रही है, समझ गए ना? समझ गया। तो अब देखो, जब नगरी की रचना अति सुंदर है तो हम लोगों के लिए पारितोषिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो कहिए क्या देना चाहेंगे आप? बम, आप मांग करो देंगे। देखो हमारा मांग, हम मांगे मांग ले। देखो, हे गांधी तेरी खूब चली आंधी, हे गांधी तेरी खूब चली आंधी, पहले फिरते थे लंगोट में, अब घूम रहे हो 11,000 के नोट में, समझ गए? रत्नों की वर्षा करूंगे ना। रत्नों की वर्षा वो अब घर ले जाना। हम तो चलते फिरते। हाँ जी, संगीतकार हैं, कलाकार हैं। हाँ जी, जो आपकी भावना है बोलिए, कितना देना चाहिए? 1100 रुपए देंगे। 1100? अरे महाराज, कुबेर हो कुबेर। ठीक है, 1100 रुपए देंगे। हाँ जी, जोरदार तालियां बजाइएगा। धनपति कुबेर ने 5100 रुपए शिल्पकारों के लिए दिए और रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। रत्न ऐसा कहते हैं, ऐसा शास्त्रों का लेख है, जिसके हाथ में ये रत्न आ जाए या तो उसकी अंगूठी बना ले, अंगूठी ना बना पाए तो उसे तिजोरी में रख दे, सच में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये फलाने चंजी हैं, लेकिन एक बात याद रखना, फलाने चंजी सुबह तक थे लेकिन जैसे ही कुबेर की पर्याय में आए तो ये धनपति कुबेर हो गए हैं। ये मानकर ऐसा कहते हैं कि भावों से भी जो मान लेता है, करे करावे भावना भावे, तेनर उत्तम पदवी पावे, जो करता है कराता ये भावना भाता है। रत्न लूटिए, आ जाए हाथ में तो उसे तिजोरी में रखिए, नहीं तो अंगूठी बनाइए, और रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो रही है। हीरे बनने दमक रहे, हम जम करके बरस रहे, हीरे बनने दमक रहे, नगर अयोध्या में बरस रहे। लुट रहा लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे कुबेर का खजाना, लुट रहा रे। और कुबेर ने रत्नों की वर्षा की, बैठे कुबेर ने रत्नों की वर्षा की, बैठ जाओ। और तभी सावधान माता मरुदेवी, इंद्राणी उठिए जाइए, माँ को लेके आएंगे। इंद्राणी खाली, इंद्राणी पहुंचिए, माँ को लेके आएंगे। और माँ आ रही है कैसे? माता होले से आई, माता धीरे से आई, माता होले से आई, माता धीरे से आई, ओ खुशियाँ छाई बजी शहनाई शुभ घड़ी आई, माता होले से आई, माता धीरे से आई, आजा मेरी माँ, के सबसे प्यारे में हो माँ, हो माँ, हो माँ मरुदेवी माँ। ये जो दुनिया है बन है घाटों का, माँ फुलवारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ मरुदेवी माँ। माता होली से आई,
माता धीरे से आई, माता होले से आई, माता धीरे से आई। माता की सेवा करती है और कहती है आई हूँ सेवा करने, स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता हो, अब दुख दूर करो माँ। सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन आपका पाया, दर्शन आपका पाया, कल्याण करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। और दोनों देवियाँ माँ के पास समीप आकर बैठ जाती हैं, दोनों देवियाँ बैठ जाती हैं। सच बोलता हूँ, मंच पर, धर्म के मंच पर कभी झूठ नहीं बोलता। इन बच्चियों का भक्ति नृत्य था, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम डांस जरूर करोगी, नृत्य जरूर करोगी। एक बार इन बच्चों के लिए इनकी कैसेट नहीं चल पाई, इनका मोबाइल नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि तुम भक्ति नृत्य जरूर करोगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजा दें। और दोनों देवियां आकर बैठ जाती है माँ के समीप, माँ से बतियाने लगती है, बातें करने लगती है। तभी रात का अंतिम पहर और माता को धीरे धीरे नींद आने लगती है, और माता 16 स्वप्न देख रही है। कैसे अद्भुत स्वप्न देख रही है माता। देखे जी माने 16 सपन, 16 सपन, सपनों की शुभ घड़ी आई, मन में खुशी लहराई। देखे जी मन 16 सपन, मन में बजी शहनाई, सपनों की शुभ घड़ी आई। और माने पहले स्वप्न में ऐरावत हाथी को देखा, ओ पहले सपन में हाथी देखा, और दूसरे स्वप्न में माँ देख रही है ऊंचे कंधे वाला बैल, ओ दूजे सपन में बैल जो देखा उन्नत कंधों वाला, तीजे सपने में बनरा, ओ गूंज रही जिसकी आवाज, ऐसे सपने देख के माता हो गई मगन।
देख जी मन सोल सपन मन में बजी शहनाई सब देखे भाइयों सुबह भी हमें जल्दी आना है ये शोले सपने में अभी आधा घंटा लग जाएगा इसलिए मैं मौका देख बता देता हूँ पहले स्वप्न में माने ऐरावत हाथी को देखा दूसरे स्वप्न में माने ऊंचे कंधे वाले बैल को देखा तीसरे स्वप्न में गरजते हुए सिंह को देखा चौथे स्वप्न में दो पुष्प मालाएं देखी पांचवें स्वप्न में कलश को देखा छठवें स्वप्न में दो मीन मछली देखी और सातवें स्वप्न में माँ देख रही है लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए आठवें स्वप्न में मान देखा इधे विमान आ रहा है नौवें स्वप्न में माँ देख रही है धर्मेंद्र भवन भूगर्भ से धर्मेंद्र भवन निकल रहा है और माँ देखती जा रही है पैर और माँ ने देखा कमल कमलों सहित सरोवर देखा अगले स्वप्न में माँ ने फिर लहराता हुआ समुंदर देखा माँ फिर माँ ने रत्न राशि देखी और रत्न राशि के बाद अंत में माँ ने देखा निर्धूम अग्नि बिना धुएं के अग्नि दिखाई दे रही है और सोलहवें स्वप्न में माँ ने देखा निर्धूम अग्नि और अंत में देखा कि एक बैल मुख में प्रवेश कर रहा है तभी अचानक माँ की आंख खुल जाती है देवियां खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं भूत प्रातः मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए शारदा अनुपंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए फट गया रजनी तम किरण फैली सूर्य उगता देख लो भूलती पक्षी दशोदशी शब्द मीठे सुन लो और देवियों ने आकर जगाया तब माँ कहने लगी देवी कहने लगी हे माँ आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं हाँ माँ कोई बात तो है जो आप हमसे छुपा रही हो नहीं देवियों ऐसी कोई बात नहीं है कोई बात तो है जो आप हमसे छुपा रही हो हे देवियों आज रात के अंतिम पहर में हमने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सोलह सोलह अद्भुत स्वप्न देखे हे माँ हमें भी बताइए आपने ऐसे कौन से स्वप्न देखे हैं नहीं देवियों पहले मैं मुख शुद्धि करूंगी मंगल स्नान करूंगी देव शास्त्र गुरु की पूजा करूंगी उसके बाद स्वप्न शास्त्र के ज्ञाता महाराज नाभी राय से जाकर उन स्वप्नों का फल मांगूंगी वहीं बैठकर तुम भी सुन लेना तो ठीक है माता हम जल लेकर आते हैं और माँ खड़ी हो जाती है और माँ का अभिषेक करती हैं मंगल स्नान होता है देवियां अंतःग्रह में ले जाती हैं और माँ का मंगल जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ आज माता का नवा निकलना हो आज माता का नवा निकलना है मंगल स्नान हुआ देव शास्त्र गुरु की पूजा हुई नवग्रह जिसके पक्ष में हो नवग्रह है जिसके पक्ष में जो जप ले नोवार नमोकार नमोकार महामंत नमोकार 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 महामंत नमोकार हे मंत्रीवर हमें हमारे राज्य की व्यवस्था के बारे में अवगत कराया जाए हेलो 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 महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो विनस जाए बे मंत्री
जो मन शंका खाए बिनस जाए बै कामनी आज्ञा से टल जाए। महाराज जिस राज्य में आप जैसा दीन बंधु प्रजावत्सल नीति निपुण राजा हो उस राज्य में भला कोई कमी हो सकती है? अर्थात नहीं महाराज। महाराज आपके शारीरिक मानसिक अनुशासन का प्रभाव है। जहाँ पर सिंह और गाय एक ही घाट पर एक साथ पानी पिया करते हैं, इस प्रकार महाराज आपकी सारी प्रजा सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आपकी जय हो, आप जयवंत हो, आप जयवंत हो। महाराजा नाभिराय की, महाराजा नाभिराय की, महाराजा नाभिराय की। हे मंत्रीवर, इसी तरह प्रजा का पुत्रवत ख्याल रखें, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जो आज्ञा, जो आज्ञा महाराज। तब मंत्रीवर कहते हैं महाराज की जय हो। महाराज महारानी राजभवन में पधार रही हैं। सावधान, महारानी मरुदेवी राजभवन में पधार रही हैं। आ जाओ मेरी भोली माँ, आ जाओ मेरी भोली माँ। हेलो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है देवी, आओ देवी आसन ग्रहण करो। महाराज कभी महारानी की ओर देखते, महारानी कभी महाराज की ओर देखते, दोनों मंद मंद मुस्काने लगते, एक दूसरे को देख रहे हैं। तब महाराज महारानी से कहते हैं, हे प्रिय, आज अचानक आपका राजभवन में प्रवेश का क्या कारण है? हमें बुला लिया होता, हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। आपके आने का क्या कारण है? आपके आने का क्या प्रयोजन है? हे नाथ, आज रात के अंतिम पहर में, आज रात के अंतिम पहर में हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सोलह सोलह अद्भुत स्वप्न देखे हैं। हे प्रिय, पहली ना बुझाओ, जो बात है स्पष्ट बताओ। तो सुनिए नाथ। महाराज अपने आसन से खड़े होते हैं, महारानी आसन से खड़ी होती हैं, दोनों महल में आगे आती हैं और महारानी महाराज से कहने लगती हैं, मैंने सपना जो देखा, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, मन में अचरज था देखो पिछली रात को, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। और इस तरह हाथी बेलों सिंह लक्ष्मी दो मालाएं देखे, इस तरह अपने 16 स्वप्न महाराज को सुला दिए। तब महाराज कहने लगे, हे प्रिय, ये स्वप्न तो बहुत ही फलकारी हैं, मैं तुम्हें इनका फल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। महाराज कहने लगे महारानी से, संजय भैया कहने लगे, महाराज सुनो प्रिय, मैं तुम्हें सुनाऊं, सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है, तीर्थंकर पुत हो बेगा जागा भाग हमारा है, जागा भाग हमारा है। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है, धर्म मूर्ति सिद्ध फर्त होगा जागा भाग हमारा है। और तब आप आसन पर विराजिए, आप भी बैठिए महाराज, दोनों आसन पर विराजते हैं। अब इनकी लेडीज महिलाएं खड़ी हो जाए,
और अपने अपने जोड़े के साथ खड़ी हो जाएं। पहले ईशानेंद्र, ईशान कौन है? और पहली गोद भरेंगे, खाली मत भरना, कुछ ना कुछ इनकी गोद में अवश्य डालना, चाहे आप पैसे डालें, कुछ भी डालें इनकी गोद में। पहली गोद भरी जा रही है नृत्य गान के साथ, आनंद के साथ। कैसे? हाँ, गोद भरी जा रही। कोई भी यहाँ ऐसा कहते हैं जो माँ की गोद भरता है उसकी गोद कालांतर में कभी खाली नहीं रहती है। आइए, माँ की गोद भरी जा रही है और आज तो गोपी माई भी यहाँ बैठी है। ओ जीजी, जिज्जी बैठी हैं, वो भी आएंगी गोद भरेंगी। गोपी भाई माँ आएंगी गोद भरेंगी। और कैसे? हाँ, माता की गोद भराऊं मेरी बहना, आओ रे आओ मिले आओ मेरी बहना, आओ रे आओ मिले आओ मेरी बहना, अतिशय पुण्य कमाओ मेरी बहना। अतिशय धर्मेंद्र जी आइए, गोद भरिए पहली। हाँ धर्मेंद्र जी पहली गोद, धनपति कुबेर अभी आप एक मिनट हो गया, धनपति कुबेर दूसरे नंबर की गोद। आइए धर्मेंद्र जी। ओ माता की गोद भराओ मेरी बहना, माता की गोद भराओ मेरी बहना, आओ रे आओ मिले आओ मेरी बहना, आओ रे आओ मिले आओ मेरी बहन, अतिशय पुण्य कमाओ मेरी बहना, अतिशय पुण्य कमाओ मेरी बहना। चलिए आइए एक एक करके, हाँ आइए गोद भरिए और नृत्य गान के साथ। मंगल की ये बेला आई, मंगल की ये बेला आई, सारी निधियां से मटके आई, सारी निधियां से मटके आई, अतिशय पुण्य कमाओ मेरी बहना, अतिशय पुण्य कमाओ मेरी बहना। चलिए अम्मा, अम्मा आ जाओ और महिलाएं बैठी सारी आ जाए, महिलाएं गोद भरेंगी माँ की। आ जाइए, माता की गोद भर रही है। हाँ, गोद भर लो पहले। माता की गोद भराओ ये पावन बेला आई, माता की गोद भराओ ये पावन बेला आई, ये पावन बेला।